आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप इंटरेस्टिंग चीज़ हो। मेरी बहुत सारी व्यूज ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्री मैच्योर हेयर ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसा मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो हाँ, मैं एक हेयर रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली जो मैं बहुत सालों से यूज करती आई हूँ। ये हेयर ग्रोथ प्री मैच्योर हेयर ग्रोथ से प्रिवेंट करेगा और हेयर फॉल को भी रोकेगा। तो आज मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आज आपके साथ जॉब बोलना चाहूंगी कि बंगाली न्यू ईयर आने वाले हैं, तो मैं थोड़ी सी बंगाली में बात करूंगी। तो मेरी सारी जो बनाने मेरे फ्रेंड्स है, तो प्लीज माइंड मत कीजिए कुछ, मैं जो भी बात करूंगी बंगाली में सब्जेक्ट्स नीचे रहेंगे, तो आप देख लीजिएगा और प्लीज कुछ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो भी बंगाली है, तो इसीलिए तो अभी मैं बंगाली में बात कर रही हूँ। শুভ নববর্ষ সবাইকে, আমার বাঙালি বন্ধুদের, আমার সাবস্ক্রাইবার, আমার ভিউয়ারদের অনেক অনেক ভালোবাসা, গুরুজনদের আমার প্রণাম। আর সবাই ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থেকো, খুশি থেকো, এবং যা হয়েছে এই পুরোনো বছরে সব ভুলে যাও, নতুন করে নতুন বছর নতুন করে জীবন শুরু করো, এবং সবাইকে খুশি রাখো, গুরুজনদের সম্মান ভালোবাসা দুটোই দিও। নতুন বছর খুব ভালো কাটিও, খুব ভালো থেকো। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको चाहिए मेथी सीड्स और ऑनियन सीड्स। ऑनियन सीड्स का मतलब कलौंजी है, ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और मेथी सीड्स को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, उन्हें सेमी ग्राइंड करना है, इसे पूरा एकदम पाउडर नहीं बनाना है। कलौंजी का भी मैंने सेम किया है, ज्यादा एकदम पूरा मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है, सेमी ग्राइंड किया है। और फिर मुझे चाहिए ऑलिव ऑयल, मैं ये वाला ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल ना हो तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है तो कोकोनट ऑयल से ही बनाइएगा। और एक एम्प्टी कंटेनर चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा आप जिस कंटेनर में इस ऑयल को बना रही है वो कंटेनर आपकी शीशे की होनी चाहिए, मतलब कांच की होनी चाहिए, ऐसा प्लास्टिक के बॉटल में इस तेल को मत बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 150 ml तक ऑलिव ऑयल डाला है, आप शायद देख सकते हैं, आप ज्यादा भी बना सकते हैं। मैं 1 month बाद फिर से बनाती हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, मैं इतना ही बनाती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फेनुग्रीक सीड्स जो मैंने ऑलरेडी ग्राइंड करके रखा था। 1 teaspoon है, मैं 2 teaspoon मतलब 1 tablespoon तक फेनुग्रीक सीड्स ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ये ऐड किया है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी यानी ऑनियन सीड्स, मुझे पूरा ऐड करना है। यहाँ पे तकरीबन 1 tablespoon तक ही कलौंजी सीड्स है। थोड़ा सा मैं स्टीयर कर लूंगी। अब मैं इस ऑयल को डबल बॉयलर में 10 to 15 minutes तक मैं रखूंगी। मुझे इस ऑयल को बॉइल नहीं करना है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ऑयल बॉइल ना हो। तो मैं अभी इसमें ऐड कर, मैंने पानी को ऑलरेडी गर्म कर लिया है, तो इसे मैं डाल रही हूँ। 10 to 15 minutes तक मुझे इस ऑयल को इसमें रखना है। 20 minutes बाद मैंने इसको गर्म पानी से निकाल लिया है, आप शायद देख सकते हैं ऑयल मेरा रेडी हो गया है। अभी इस ऑयल को सिर्फ अप्लाई मत कीजिए, इसे 15 to 20 days तक सनबर्थ के लिए धूप में इसे रखना है। आप 5 दिन बाद इसे सिर पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल 15 to 20 days तक धूप में रखना है, फिर आप निकाल के इसे यूज कर सकते हैं। 5 दिन बाद से आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे धूप में देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है जो कि गंजापन को दूर करने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन है जो कि प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग को भी रोकता है, और निकोटिनिक एसिड है जो कि हेयर ग्रोथ में मदद करता है। मेथी सर से डैंड्रफ को भी दूर करता है। कलौंजी यानी ऑनियन सीड्स हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग से भी छुटकारा देता है, ये बालों को थिक, ब्लैक और शाइनी बनाता है। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल आपके हेयर और स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, ऑलिव ऑयल हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। अब मैं तो बताती हूँ कैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे इस ऑयल को। आप इस ऑयल को रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं, आप इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और सुबह आप शैम्पू से इसे वॉश कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर बेसिस पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे
अप्लाई करने से पहले गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे सिंपल एज इट इज अप्लाई कीजिएगा। इसे आप रूट टू टिप तक अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पिटन्स को भी प्रिवेंट करता है, जैसे डैंड्रफ को भी ये मिटाता है और बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी लुक देता है और थिक भी बनाता है और हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है। जिस मैं उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट करना बालों के ऊपर स्किन के ऊपर अच्छी बात होती है, लेकिन उसके लिमिट होना चाहिए। आप 3 महीने आप गैप रखे आप अपने हेयर प्रोडक्ट और स्किन प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली आप अपने स्किन प्रोडक्ट और हेयर प्रोडक्ट को प्लीज चेंज ना करें। आप ऑयल चेंज कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू और कंडीशनर इसे 3 महीने तक आप कंटिन्यू कीजिए। मैं प्रेफर करूंगी कि ऑयल भी आप जो यूज कर रहे हैं वही कंटिन्यू कीजिए एटलीस्ट 3 महीने, क्योंकि आफ्टर 2 महीने के बाद ही आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा। क्योंकि ऐसे ये तो कोई जादू नहीं है कि आप यूज करो और विद इन 15 डेज आपके बाल बढ़ जाएंगे समथिंग इंच तक। बहुत जगह पर मैंने देखा है कि वो इंच भी लिख देते हैं कितना इंच आपके बाल बढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप अगर रेगुलर उसे यूज करेंगे तो डिफरेंस आपको जरूर नजर आएगा, लेकिन वो मिनिमम 1.5 महीने तक यूज करने के बाद। तो कैसे लगा आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस ऑयल को जरूर ट्राई करें, बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है गाइस। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपको लगे ये वीडियो यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सोशल नेटवर्क के साइड से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी किसी की हेल्प हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में